वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स। तो मेजर लीग सॉकर का मैच सुबह होगा एनईआर वर्सेस न्यूयॉर्क सिटी एफसी के बीच। इतनी ज़बरदस्त रेयर टीम है ना, आप देख के हैरान हो जाओगे। आप समझोगे यार आप क्या कर रहे हो, मुझे आप बोलोगे, लेकिन आप खुद देखना। तो बात करिए, मेरा टेलीग्राम चैनल डायरेक्टली सर्च करके जुड़ जाना, यही मेरा ओपन चैनल है। बी अवेयर फ्रॉम अनदर फेक चैनल्स, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो। और गाइज, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। एंड आपको बता दूँ कि बच के रहिएगा इस अनदर फेक चैनल से, यही मेरे नाम का एक ओपन चैनल है। बी अवेयर फ्रॉम अनदर फेक चैनल्स फ्रॉम माय नेम। तो बढ़ते हैं आगे से बात करूं इस मैच की, तो यहां पर मैं न्यू इंग्लैंड जो टीम है और वो भिड़ेगी न्यूयॉर्क सिटी के साथ, उसके अंदर मैं देख रहा हूं कि दोनों टीम आमने सामने अच्छी हैं। अगर मैं गोल रेशियो के हिसाब से देखूँ तो NYFC के जीतने के चांस ज़्यादा हैं, अगर गोल रेशियो के हिसाब से देखोगे। अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड एंड विनिंग रेशियो के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पर NER जीत सकती है। मतलब बराबर की टीम मैंने बनाई है, ना मैं किसी के पक्ष में ना किसी के, सिर्फ दोनों मैं चाहता हूँ दोनों में से दोनों गोल करें। एंड आगे से बात करूँ, सबसे पहले मैं न्यूयॉर्क के गोल कीपर की दिन यहाँ पर है एस जॉनसन, मैं जॉनसन को ले रहा हूँ। बाकी मुझे इसकी जगह NER का मैट भी मिल रहा था, बट आई एम नॉट ट्राइंग मैट टर्नर, आई एम ट्राइंग एस जॉनसन। एंड आगे से बात करूँ डिफेंडर की, देखो डी जॉन्स एक मेन डिफेंडर है, डी जॉन्स को मैं छोड़ने की राय दूंगा नहीं, लेकिन नीचे से मैंने दो प्लेयर्स काफ़ी उठाए हैं रेयर, लेकिन एक प्लेयर काफ़ी ज़्यादा मेन है जिसका नाम है मतलब इसको बोलते हैं गुदमुंदर, बट ये प्लेयर एवरेज है। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, यहाँ पर है एंटन। एंटन ने पिछला मैच खेला नहीं था, लेकिन आई वॉन्ट टू टेल कि एंटन इस मैच में वापसी कर सकता है, क्योंकि आपके पास ना ही क्रेडिट इशू है ना कुछ है। एंड आगे से बात करूँ जे बैल की, फोर्थ डिफेंडिंग में मैंने NER का एक प्लेयर ट्राई कर लिया जे बैल को, क्योंकि NER टीम भी बहुत अच्छी है, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बहुत मायने रखते हैं। एंड आगे से बात करूँ सी गिल की, देन आपको बता दूँ कि कार्लिस गिल एंड एक प्लेयर है आगे से जिसका नाम है गुस्टैवो बाउ, इन दोनों की सिलेक्शन लास्ट में बहुत पड़ जाएगी। एक प्लेयर होगा जो मिस होगा, वो है नीचे से दूसरा प्लेयर ए बुक्सा। एडम बुक्सा एक स्ट्राइकर है, इट्स नॉट ए मिडफील्डर, बात को मेरी याद रखना। बहुत अलग समझा रहा हूँ, आप समझोगे कि फालतू बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, इतना अच्छा समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनो, बस सुनते जाओ। ये है स्ट्राइकर, मेन स्ट्राइकर ए बुक्सा के कारण मैं आपको बता दूँ काफ़ी बार ये टीम ने बहुत अच्छी रैंकिंग पाई है। बुक्सा एक स्ट्राइकर के नज़रिए से मैं ले रहा हूँ, तो वो कन्फर्म है। एंड मॉरल्स की बात करूँ, मॉरल्स को मैं ले रहा हूँ, मैक्सी मॉरल्स को मैं जब भी ट्राई करता हूँ नॉर्मली ट्राई करता हूँ बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि ये प्लेयर एक सेफ प्लेयर है। एंड आगे से बात करें जी बहू की, बहू इज़ अ ग्रेटेस्ट ऑप्शन फॉर कैप्टन एंड वाइस कैप्टन, बट आप लोग कैप्टन वाइस कैप्टन जिसको रखोगे उसका नाम है वैलेंटिन कैस्टनेलसन। तो ये प्लेयर भी अच्छा खेलता है, बाकी एक एक दो दो गोल तो हर प्लेयर करना जानता है, बट इसके गोल रेशियो काफ़ी ज़्यादा है। एंड मदीना की बात करूँ, मदीना के असिस्ट वगैरह देखने को मिल सकती है फ्यू ट्राइंग दिस प्लेयर देन दिखेगी। एंड आगे से बात करें कैप्टन की, कैप्टन है बुक्सा, वाइस कैप्टन है वी कैस्टनेलसन। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, बुक्सा मैंने क्यों ट्राई किया एज अ कैप्टन, ये आपको बाद में पता चलेगा, क्योंकि मैं ना कभी भी क्रेडिट सिलेक्शन नहीं देखता, मैं देखता हूँ प्लेयर किस हद तक जा सकते हैं। एंड मेरे नज़रिए में ये आया कि बुक्सा एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, बुक्सा मेरा कैप्टन है, वाइस कैप्टन है वी कैस्टनेलसन। आपने नहीं रखना तो आप जी बहुओं को ट्राई कर सकते हो अपना वाइस कैप्टन, इफ़ यू वॉन्ट टू गो विद मोर रिस्क, बट मैं इतना रिस्क लूँगा नहीं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।